स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग। यूनिट नंबर 2 जिसमें हम लोग लिमिट स्टेट मेथड के बारे में पढ़ रहे थे, और इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और ये 4th लेक्चर है। ओके, सो ये यूनिट नंबर 2 का लास्ट लेक्चर होगा। यूनिट नंबर 2 में हम लोगों को लिमिट स्टेट मेथड के जो इंट्रोडक्शन पार्ट थे उसी के बारे में पढ़ने थे। सबसे फर्स्ट चैप्टर था हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और सेकेंड चैप्टर जो था हमारा था लिमिट स्टेट मेथड, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस सेकेंड यूनिट का। इसके बाद हम लोग एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन को स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के बाद में। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है यूनिट नंबर 3 तक, जो बेसिक ऑफ लिमिट स्टेट मेथड के क्या अजम्पशन थे, किस तरीके से हमारा ड्राइव किया जाता है फार्मूला को, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। ओके, सो यूनिट नंबर 4 है एंकरिंग। क्या है एंकरिंग? यूनिट नंबर 4 है हमारा एंकरिंग। एंकरिंग क्या होता है? जनरली होता क्या है कि जब हमारा जो लास्ट सेक्शन होता है, मान लो कि बीम है, बीम कॉलम जंक्शन है, बीम है इस तरीके से, है ना, तो बीम में जो भी हम रिइंफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड करते हैं वो लास्ट में जा करके वहाँ पे हमें मोड़ना पड़ता है ना। लास्ट में जा करके क्या करना पड़ता है, ऐसे जा करके कॉलम के साथ में यहाँ पे मोड़ना पड़ता है, तो इसी के लिए एंकरिंग का यूज़ किया जाता है। तो इसी के बारे में अभी हम चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से अगर बेंड होता है तो बेंड होने के बाद में वहाँ पे जो बेंड के कारण कितना लेंथ एक सीट होता है या उसके कारण कितना वैल्यू क्या करते हैं एज्यूम करते हैं, इसी के बारे में हम देखेंगे। मान लो किस तरीके से ऐसा बेंड है, यू बेंड है इस तरीके से, तो आप ऐसे बेंड कर रहे हो तो यहाँ पे लेंथ कितना इंक्रीज हो, इसलिए कितना लेते हैं, क्या क्या प्रोविजन है इस कोड में, वही इस लेक्चर में हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, जनरली बार आर टू बी एंकर्ड इन कंक्रीट बाय प्रोवाइडिंग हुक्स एट द एंड, है ना। लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, हुक प्रोवाइड करते हैं। टॉर 40 एंड टॉर 50 बार आर डिफॉर्म्ड और पोल ट्विस्टेड एंड द हुक फॉर्म्ड बाय सच बार आर लार्ज वन एज सच, हुक आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर डिफॉर्म बार, है ना। अब देखिए इसमें जो आईएस कोड फॉलो किया जाता है 2502-1963 है। अब देखिए यहाँ पर बेंड के लिए बताया गया, डिफरेंट डिफरेंट बेंड्स के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 45 डिग्री बेंड के लिए बताया गया है ना, द एंकरेज वैल्यू ऑफ बेंड शैल बी टेकन एज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाथ फॉर ईच 45 डिग्री बेंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 16 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ पाथ। मतलब जब 45 डिग्री अगर बेंड है अगर कोई बार, मतलब किस तरीके से, मान लो कोई भी बार है इस तरीके से, इसको ऐसे बेंड किया गया है ना, इस तरीके से, कैसे इस तरीके से 45 डिग्री पे क्या किया गया है, बेंड किया गया है। कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे क्या किया गया है, इसको बेंड किया गया है। तो ये जो बेंडिंग 45 डिग्री पे किया गया है, इसी के कारण जो है हमारा, क्योंकि इस तरीके का क्रैंक बार हमें बीम में देना पड़ता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। डायमीटर जितना रहेगा बार, मान लो कि 10 mm डायमीटर का बार है, कितना का, 10 mm का है, तो एंकरेज हम लोग कितना, 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, यानी चार देंगे 40 mm, ठीक है, और मैक्सिमम लेंगे 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, कितना, 45 डिग्री बेंड के लिए, ठीक है। तो ये पहला हो गया प्रोविजंस आपका। नेक्स्ट प्रोविजन है द एंकरेज वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड यू टाइप हुक, किसके लिए, यू टाइप के लिए, कैसे, मान लो कि ऐसा है और ऐसे आप दे रहे हो, ऐसे टर्न कर, इसको कहा जाता है यू टाइप हुक। क्या कहते हैं इसको, यू टाइप हुक कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए हम लेते हैं 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट बताए गए हैं, यहाँ पे कैसे कैसे बेंटअप किया गया है, ये सिर्फ आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से, कैसे यू होता है, कैसे ये टर्न किया जाता है यहाँ पे, तो वही इन सब के बारे में यहाँ पे इस फिगर में आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये सब फिगर्स हैं तो आप देख लेंगे। अब देखिए लैप स्प्लाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैप स्प्लाइस क्या होता है, देखिए लैप स्प्लाइस क्या होता है, लैप स्प्लाइस कहने का मतलब है, क्योंकि जो हमारा बार होता है उसके एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है, मान लो कोई एक बार है उसके स्टैंडर्ड लेंथ है। अब मान लो कि आपको इससे ज़्यादा लंबा और भी कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ना, जो भी बार है आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब जब भी ऐड करोगे तो यहाँ पे जॉइंट होगा, तो उस जॉइंट को कनेक्ट करने के लिए
उस जॉइंट को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्प्लाइसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? स्प्लाइस प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का आप कैसे जोड़ते हो, जैसे कि स्टील के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एक प्लेट है और दूसरे प्लेट को ऐसे जोड़ते थे, डबल कवर बट जॉइंट या फिर सिंगल कवर बट जॉइंट, है ना, इस तरीके से ऐड करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग दो मेंबर को ऐड करने के लिए, दो स्टील को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो सारे का कंडीशन अलग अलग है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, वेन द लेंथ ऑफ बार अवेलेबल इन द मार्केट इज स्मॉलर दैन द लेंथ रिक्वायर्ड, है ना। मान लीजिए कि आपको 30 मीटर का जरूरत है, तो लेकिन मार्केट में 30 मीटर का छड़ तो अवेलेबल नहीं है, आपके पास जो स्टैंडर्ड 12 मीटर का वही है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करके 30 मीटर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लैप करना पड़ेगा, है ना। वेल्डिंग भी किया जाता है, लैपिंग भी किया जाता है, लेकिन दोनों को ऐसे करके और ऊपर से यहाँ पे पतले वायर से बांधा जाता है, ठीक है। पीसेस ऑफ बार टू बी यूटिलाइज द बार रिक्वायर्ड टू बी लैप्ड, लैप लेंथ विल बी लेस एज फॉलोज, है ना। कैसे लैप लेंथ होता है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। बस अभी आपको समझना है कि दो बार को ऐड करने के लिए दोनों बार को कनेक्ट करके यहाँ पे तार के द्वारा, स्मॉल वायर के द्वारा इसको बांधा जाता है या फिर वेल्ड किया जाता है, उसी को हम लोग लैप कहते हैं या फिर लैपिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए कितना लेते हैं, फ्लेक्सर टेंशन में LD और 30 टाइम्स ऑफ डाया विच एवर इज ग्रेटर, मतलब LD मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, ये आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। और 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 5 मतलब क्या डायमीटर, मान लीजिए कि अब 10 mm का डायमीटर है आपका बार का, 10 mm है ना, तो 30 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि 300, है ना। और यहाँ पे जितना LD आपका वैल्यू आएगा, ठीक है, दोनों में से जो बड़ा होगा वो आप क्या करेंगे, लैप लेंथ को लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टेंशन में अगर लेना है तो 2 LD और 35 विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। पहला था फ्लेक्जर टेंशन में, याद रखना है। दूसरा है डायरेक्ट टेंशन में 2 times of LD और 30 times of diameter ऑफ बार विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से जो ज़्यादा आएगा कैलकुलेट करने के बाद में। मान लो कि LD की वैल्यू आ गई 450 और इसको आप कैलकुलेट किया तो 300 आया, तो आपका डेवलपमेंट लेंथ 450 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ, सॉरी उसको हम लोग क्या करते हैं, लैपिंग लेंथ कंसिडर करते हैं। अब देखिए कंप्रेशन में कितना होता है, कंप्रेशन में होता है LD और 24 times of 5 विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है, दोनों में से जो बड़ा होगा। LD आप कैलकुलेट करेंगे, LD की वैल्यू मान लो आपकी 300 आई, है ना, और 24 times of dia को आपने कैलकुलेट किया तो ये आया आपका 320 mm। तो आप किसको डेवलपमेंट लेंथ कंसीडर करेंगे, जो दोनों में से बड़ा होगा। तो 300 और 320 में से बड़ा कौन है, 320 है, तो ये आपका डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या क्या रखना है, ध्यान सबसे पहला तीनों रखना है, तीनों में से क्वेश्चन आते हैं कि कंप्रेशन में हम लोग लैपिंग लेंथ कितना लेते हैं, तो ये होगा LD और 24 times of diameter ऑफ बार। अगर आपका टेंशन में आता है, ठीक है, डायरेक्ट टेंशन और फ्लेक्सर टेंशन दो होता है, अगर फ्लेक्सर टेंशन में आता है तो LD और 30 times of diameter ऑफ बार विच एवर इज ग्रेटर, और अगर डायरेक्ट टेंशन में आता है तो 2 LD और 30 times of diameter ऑफ बार विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको लैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे लैप लेंथ आप देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू, यही लैपिंग किया गया है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए स्प्लाइसिंग कही है, लैपिंग कही, दोनों सेम जिसको कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं एक बार इसको देख लीजिए। पहला, स्प्लाइसिंग शैल बी अवॉइडेड एट सेक्शन वेयर स्ट्रेसेस इन स्टील आर मैक्सिमम, मतलब जहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम हो वहाँ पे जनरली स्प्लाइसिंग को अवॉइड किया जाता है, वैसे जगह पे हम स्प्लाइसिंग करते हैं जहाँ पे स्ट्रेस क्या हो, मिनिमम हो। नॉट मोर देन हाफ बार शैल बी स्प्लाइस्ड एट ए पर्टिकुलर सेक्शन, ऐसा नहीं कि एक बार है और उसका आधा बार को आप सीधे ले जाकर के यहाँ पे ऐसे स्प्लाइस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाफ बार क्या होना चाहिए, हाफ बार से ज़्यादा स्प्लाइसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। लैप स्प्लाइसिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर बार लार्जर देन 36 mm, ठीक है। अगर कोई भी बार आपका 36 mm से ज़्यादा डायमीटर का है तो वहाँ पे स्प्लाइसिंग नहीं देते हैं, वहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, वेल्ड करके दोनों बार को हम लोग ऐड करते हैं, क्या करके, वेल्ड करके। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितना mm से ज़्यादा वाले बार को हम लोग वेल्डिंग प्रेफर्ड करते हैं, तो याद रखिएगा 36 mm डायमीटर बार। अब देखिए इफेक्टिव स्पैन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव स्पैन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस में आप देखो, एक होता है क्लियर स्पैन और एक होता है इफेक्टिव स्पैन, मतलब जो आप सपोर्ट देख रहे हो, ये वाले सपोर्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है क्लियर स्पैन। क्या कहा जाता है, क्लियर स्पैन, यानी इनर टू इनर डिस्टेंस जो आपका होता है वो कहलाता है क्लियर स्पैन।
और जो आपका सपोर्ट है उस सपोर्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव स्पैन। यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे सेंटर, इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, इफेक्टिव स्पैन कहेंगे। और ये कितना होगा सिंपली सपोर्टेड के केस में, एल इफेक्टिव इसको लिखा जाता है ना, ये कितना हो जाएगा एल नॉट यानी क्लियर डायमेंशन प्लस क्या हो जाएगा डी बाई टू, यहाँ से डी बाई टू आधा, यहाँ से ये वाला आधा और यहाँ से आधा है ना, कितना हो जाएगा एल इफेक्टिव प्लस डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। डी हमने इसको विड्थ को माना, या फिर इसको डब्ल्यू बाई टू भी लिख सकते हैं है ना, डब्ल्यू बाई टू लिखे बेटर होगा। तो एल इफेक्टिव प्लस क्या हो जाएगा डब्ल्यू, मतलब जो आपका विड्थ है सपोर्ट का आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे दोनों जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा एल इफेक्टिव प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गया, अब आगे हम आपको बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है द इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए मेंबर दैट इज नॉट बिल्ड इंटीग्रली विद सपोर्ट शैल बी टेकन एज क्लियर स्पैन प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और बीम और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट विच एवर इज लेस। ठीक है, यानी कि देखिए इफेक्टिव डेप्थ प्लस जो आपका क्या है इफेक्टिव लेंथ प्लस डेप्थ का वैल्यू ऐड कीजिए, और इफेक्टिव लेंथ प्लस डब्ल्यू ऐड कीजिए, जो मैंने बताया था हाफ इधर से हाफ इधर से सेंटर टू सेंटर का, इस दोनों में से जो कम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू को एज्यूम करेंगे। ठीक है, सॉरी ये वाला क्लियर स्पैन है एल सी प्लस डी और एल सी प्लस डब्ल्यू, तब जाके एल इफेक्टिव निकलेगा। इस दोनों में से मान लो कि एल इफेक्टिव प्लस डी को कैलकुलेट किए ये आ गया आपका 10 मीटर है ना, और एल इफेक्टिव प्लस डब्ल्यू को कैलकुलेट किए ये आ गया 12 मीटर, तो आपका इफेक्टिव स्पैन कौन सा होगा जो दोनों में से छोटा होगा यानी ये वाला होगा। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे जब न्यूमेरिकल को करेंगे, अभी हम समझिए कि क्लियर स्पैन को प्लस इफेक्टिव डेप्थ को आपको ऐड करना है, और एक में क्लियर स्पैन प्लस जो आपका सपोर्ट का विड्थ है उस दोनों में से आधा आधा को ऐड करना है, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को लेना है, और उस दोनों में से जो कम आएगा उसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ 10 मीटर आया सपोज और यहाँ 12 मीटर आया, तो 10 मीटर वाले को हम इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू सॉरी इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ किस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस में। ठीक है, याद रखिएगा सारे बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में वैसा कुछ है, उसी तरीके से जो है आपका कंटिन्यूस बीम में है, उसी तरीके से आपका कैंटिलीवर बीम के केसेस में है। ठीक है, सारे के लिए हमें प्रोविजन दिया गया है, जैसे देख सकते हैं कंटिन्यूस बीम और स्लैब के लिए विथ इफ विथ ऑफ सपोर्ट इज लेस दैन 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन द इफेक्टिव स्पैन शैल बी अबव, इफ सपोर्ट आर वाइडर दैन 1/12 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 1/12 लिखेगा यहाँ पे 1/12 of the clear span or 600 mm whichever is less the effective span shall be taken as follows। ठीक है, for end span with one end fixed and other end continuous for intermediate span the effective stress shall be clear between support। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि वैसा बीम जिसका एक साइड क्या है फिक्स है, ठीक है, और कंटिन्यूअस और बीच में कोई इंटरमीडिएट क्या है सपोर्ट है, तो वैसे केसेस में हम जो इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू को लेते हैं उसके क्लियर डिस्टेंस के बराबर ही हम लोग क्या करते हैं लेते हैं, कब, जब हमारा सपोर्ट जो है वाइडर हो 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन और 600 mm। ठीक है, इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे और दोनों से जो कम आएगा तब उस केस में हम ये वाले प्रोसेस को फॉलोअप करेंगे। अगर कंटिन्यूस बीम है ठीक है, और उसका विड्थ जो सपोर्ट का है 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन है, डिफेक्टिव स्पैन जो है हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो पहले भी कैलकुलेट किए थे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस में उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कैसे, पहले हम चेक कर लेंगे कि 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इसका जो प्रोसेस है ये पहले स्टेप के जैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सपोर्ट आर वाइडर, अगर सपोर्ट हमारा वाइडर है 1/12 ऑफ द क्लियर स्पैन और 600 mm इस दोनों से वाइडर है, उस केसेस में हम क्या करेंगे पहले स्टेप की ओर मूव करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ और भी क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप समझते रहो कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चन कराएंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। फॉर एंड स्पैन विथ वन एंड फ्री एंड अदर एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, एक एंड क्या है फ्री है और अदर एंड क्या है कंटिन्यूअस है, द इफेक्टिव स्पैन शैल बी इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस हाफ द विड्थ, क्या बोला जा रहा है क्लियर स्पैन प्लस हाफ द विड्थ डब्ल्यू बाई टू, ठीक है, सॉरी हाफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम और स्लैब, ये डी बाई टू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डी डैश यानी इफेक्टिव डेप्थ होगा, और क्लियर स्पैन प्लस हाफ द विड्थ एल सी प्लस डब्ल्यू बाई टू विच एवर इज लेस। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एल सी प्लस डब्ल्यू बाई टू कैलकुलेट करेंगे और एल सी प्लस
10/2 कैलकुलेट करेंगे। इस दोनों में से जो कम आएगा उसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है। कब? जब हमारा एक इंड क्या हो, फ्री हो और अदर इंड कंटिन्यूअस हो, मतलब एक इंड ऐसे इस तरीके से, एक इंड फ्री है और दूसरा इंड क्या है ऐसे कंटिन्यूअस है, इस केसेस में बोला जा रहा है। इस केसेस में ये वाला प्रोसेस को आप फॉलो करोगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन सारे और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कैंटिलीवर बीम के केस में देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इफेक्टिव स्पैन ऑफ कैंटिलीवर इज टेकन एज इट्स लेंथ टू द फेस ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ एक्सेप्ट वेयर इट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ कंटिन्यूअस बीम वेयर द लेंथ टू बी टेकन सपोर्ट शैल बी टेकन। इस तरीके से अगर है आपका कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम, तो यहाँ पर आपको लेना है क्लियर स्पैन प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो आपका क्लियर स्पैन है ये लेंगे प्लस डी बाई टू, यही आपका आपका निकल जाएगा इफेक्टिव लेंथ। किस केसेस में? आपका कैंटिलीवर बीम के केसेस में, ठीक है। अगर फ्रेम का केस रहेगा तो इन द एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस फ्रेम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शैल बी यूज फॉर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर। अगर फ्रेम है, फ्रेम मतलब होता है कि इस तरीके से बिल्डिंग बना हुआ है ऐसे, और इसमें बहुत सारे क्या है फ्रेम है, इस तरीके से फ्रेम्ड कनेक्शन है ऐसा, और सबका इफेक्ट सबका लेंथ ऐसे दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर, एल है, ये भी एल है, है ना। तो आपका इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होगा यही एल ही होगा, ठीक है। जो कि डिस्टेंस है, क्लियर डिस्टेंस दो फ्रेम के बीच का, वही आपका क्या हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा फ्रेम के केस में, ठीक है। मुझे लगता है कि इफेक्टिव लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा, और इससे भी ज़्यादा क्लियर तब होगा जब हम इसको इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन को करेंगे तो जगह क्लैरिफाई हो पाएगा। क्योंकि आरसीसी में जब तक हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको हर एक चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा। बट आपको मुझे लगता है कि 75-80% जरूर समझ में आ गया होगा। अब जो भी बेसिक और भी बचा हुआ है, जो आपको कहीं कहीं डाउट हो रहा है, तो क्वेश्चन से हम आपको समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार अभी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं तो सारा चीज़ ऑलरेडी बताते हुए ही चल रहा हूँ। अब देखिए, डिफ्लेक्शन कंट्रोल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी बीम का डिज़ाइन का, तो क्योंकि इसे इसके आगे जो भी हम अभी लेक्चर करवाने वाले हैं एनालिसिस ऑफ सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन सारे इसी पे बेस्ड हैं। क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड का ये बिल्कुल एक रोड मैप है, इसके बाद सारे जो चैप्टर्स हैं इसी पे करने हैं हम लोगों, है ना। तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज, ठीक है, सो नॉट एक्सीज स्पैन बाई 250, याद रखिएगा, ठीक है। फाइनल जो डिफ्लेक्शन लिमिट है, ऑल लोड इंक्लूडिंग कौन कौन सा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, क्रीप है एंड श्रिंकेज, ये स्पैन बाई 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पैन बाई क्या 250, याद रखिएगा। द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ भी आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज, तो इस केसेज में हो जाता है स्पैन बाई 350 और 20 mm विच एवर इज लेस। मतलब इस केसेस में अगर जहाँ भी एप्लीकेशन ऑफ फिनिश आ जाएगा उस केसेस में आपका आ जाएगा स्पैन बाई 350 और 20 mm। इस दोनों में से कैलकुलेट करेंगे, जो कम आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे डिफ्लेक्शन एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज रहेगा तब स्पैन बाई 250 रहेगा, और अगर टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज साथ में ही रहेगा एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज, तो इस केसेस में स्पैन बाई 350 और 20 mm विच एवर इज लेस, दोनों को कैलकुलेट करेंगे और दोनों में से जो कम आएगा उसको हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। अब देखिए, स्पैन बाई डेप्थ रेशियो जो है किस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है डिफरेंट डिफरेंट बीम के लिए, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, यानी स्पैन बाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, ये दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या स्मॉल डी को हम इफेक्टिव डेप्थ से डिनोट कर रहे हैं, या फिर डीडेस भी लिख सकते हैं इसको, क्यों, ठीक है। डी को हम डेप्थ से डिनोट कर रहे हैं तो डीडेस को हम लोग इफेक्टिव डेप्थ से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप डी से यहाँ पे डिनोट करो, ठीक है, स्मॉल डी से कैपिटल डी को टोटल डेप्थ से, है ना। तो एल बाई डी का वैल्यू 7 के बराबर होना चाहिए कैंटिलीवर बीम के केसेस में, एकदम याद रखिएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस में 20 होना चाहिए, कंटिन्यूअस बीम में 26 होना चाहिए, याद रखिएगा। कैंटिलीवर में 7, सिंपली सपोर्टेड में 20, कंटिन्यूअस में 26, किसका वैल्यू, लेंथ, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई में किसका, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ, स्पैन जो आपका दिया हुआ है
एल और डिवाइड बाई इफेक्टिव डेप्थ। इसका वैल्यू हर एक बीम के लिए अलग अलग है, कैंटिलीवर के लिए अलग है, सिंपली सपोर्टेड के लिए अलग है, कंटिन्यूस के लिए अलग है, इसको याद रखिएगा ठीक है। ये कहाँ तक वैल्यू जो है ये एक्सेप्टेबल है, अप टू स्पैन 10 मीटर। कहाँ तक के लिए? 10 मीटर के लिए ठीक है। 10 मीटर से जैसे ही ऊपर हम जाते हैं तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन फैक्टर से वहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होता है? मॉडिफिकेशन फैक्टर से वहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलाते हैं जब आपका जो स्पैन है 10 मीटर से ज़्यादा होगा, तो हम वहाँ पे देखेंगे जब क्वेश्चन को करेंगे ठीक है। बस याद रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है आपका 10 मीटर तक ही वैलिड है ठीक है। देखिए अब फॉर स्पैन एबव 10 मीटर, अगर 10 मीटर से ज़्यादा होता है तो जो वैल्यू आपका आ रहा है उसमें आप 10/स्पैन से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा ठीक है। कितना से? 10/स्पैन से। एक्सेप्ट फॉर कैंटिलीवर इन विच केस डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन शुड बी मेड ठीक है, कैंटिलीवर वाले पार्ट को छोड़ करके ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा 10 मीटर तक है, जनरली 10 मीटर तक के लिए आता है आपके एग्जाम में। 10 मीटर से ज़्यादा होगा तो 10/s से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैंटिलीवर बीम को छोड़ करके ठीक है। तो ये आपका बेसिक क्राइटेरिया था डिफ्लेक्शन कंट्रोल का, मुझे लगता है कि ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो मैंने आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर के बारे में बताया है, ये जब मैं क्वेश्चन को करूँगा, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी कम आते हैं, बट ये जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल 10 मीटर तक है उसको आप याद रखिएगा ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो भी जो इम्पॉर्टेंट पार्ट देखा है अवेलेबिलिटी स्टेट से, जो लास्ट पार्ट था हमारा जिसमें हम लोगों ने एंकरिंग को कवर किया, इसके अलावा एंकरिंग में 45 डिग्री अगर बेंट होगा तो कितना हम लेते हैं वैल्यू वहाँ पे, या फिर हुक अगर यू टाइप का हुक है तो उसके लिए कितना लेते हैं, और स्प्लाइसिंग क्या होता है और स्प्लाइसिंग क्यों किया जाता है, और स्प्लाइसिंग में किस तरीके से हम दो छड़ को ऐड करते हैं, कितना लेते हैं, और इसके अलावा जो भी डिफ्लेक्शन कंट्रोल का क्राइटेरिया था उसको हम लोगों ने देखा। उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखे होंगे RCC के बारे में, और इस लेक्चर के जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, जो कि आपका यूनिट नंबर 3 होगा और वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है, बिकॉज सारी चीज़ ऑलरेडी मैंने एक रोड मैप जो है आपका जो पढ़ना था वो क्लियर कर लिए, और काफ़ी स्पीड से अब जो चैप्टर है आगे प्रोसीड करेगा ठीक है। तो सिलेबस वगैरह उसके लिए टेंशन नहीं लेना, सिलेबस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं कंप्लीट करा दूंगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो आप लोग बस जितना करा रहा हूँ वो करते चलिए, फिर आगे हम यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 काफ़ी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, मुश्किल से 5-5, 7-7 लेक्चर सभी में दोनों में होगा आपका यूनिट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो मुझे मेन चीज़ बताना था ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तभी आप कर पाओगे क्वेश्चंस को ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ वर्ड।